नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूँ। दोस्तों, अगर हो सके ना तो आप कहाँ से हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप देश के किन किन प्रांतों में फैले हुए हो। मेरे लाइव वर्कर्स कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगेगा और एक आइडिया होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप कहाँ से हो, ठीक है। तो चलिए, आज मैं ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाली हूँ, विच इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। अब आप सोचेंगे कि इसका मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी से क्या कनेक्शन है। बहुत कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। ये एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही है। आपकी कोर को चेंज कर रही है, आपकी जो पुरानी पर्सनालिटी थी उसको हटा के आपको एक नई पर्सनालिटी में लाने की जर्नी है। तो वो आपको अंदर से बदल के रख देती है, ना कि सिर्फ बाहर से। लेकिन आज हम थोड़े से बाहरी बदलाव के बारे में भी बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इनर चेंज भी इम्पॉर्टेंट है और आउटर चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा तो बैकग्राउंड ये रहा है और इन ग्रूमिंग एंड ग्लैमर, क्योंकि मैं एक एयर होस्टेस भी रही हूँ। मैंने किंग फिशर के साथ काम किया है, कतार एयरवेज के साथ काम किया है और मैं होटल मैनेजमेंट से भी हूँ और मैं टेलीविजन में भी काम किया है। मैं एक एक्ट्रेस भी रही हूँ, तो मेरा तो बैकग्राउंड ही है ग्रूमिंग एंड ग्लैमर का। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने आप को अच्छे से रखने का और अच्छे कपड़े पहनने का। बट ये सभी को होना चाहिए, अच्छा दिखना ज़रूरी है। मैं बताती हूँ क्यों। आप अपने आप को कैसे रखते हो उससे बहुत कुछ पता चलता है। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग वेन। अपने आप को अच्छा रखना कोई वैनिटी की बात नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिवाइन जर्नी में हो। तो जब आप एक डिवाइन सोल हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करो, एक अच्छे तरीके से रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग कपड़े पहनो हमेशा, आप महंगे महंगे कपड़े पहनो, ढेर सारा मेकअप करो, बहुत ज़्यादा बॉडी पे ध्यान दो। नहीं, ये ऐसा नहीं है। जीवन बैलेंस का नाम है, संयम का नाम है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा शुभा नहीं करना है, लेकिन मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, मिनिमलिस्टिक मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं ग्रूमिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे ग्रूमिंग क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं monishadole@gmail.com और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग क्लासेस लेने में और आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में अगर आपको मैं मदद कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से रखें। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो हम काफ़ी टाइम इंडोर्स में बिताते हैं। हम खुद के साथ ही रहते हैं, हमको बाहर जाना पसंद नहीं होता है, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। तो इस वक्त क्या हो जाता है कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, हमारी एनर्जी कहीं और फंसी हुई होती है। ये किसी व्यक्ति में फंसी हुई होगी, पैसों में फंसी हुई होगी, करियर के टेंशन में फंसा हुआ होगा, फैमिली के टेंशन में फंसा हुआ होगा, बिजनेस के टेंशन में फंसा हुआ होगा। हमारी एनर्जी हमसे बाहर जाती रहती है बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी अपने तरफ खींचे और अपना ध्यान रखें। तो आप अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो? ग्रूमिंग क्या होता है दोस्तों? ग्रूमिंग होता है अपने आप को सही तरीके से रखना। जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, आप जैसे भी हो, आपकी हाइट जैसे भी हो, आपका वेट जैसा भी हो, आपका स्किन कलर जैसे भी हो, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, चाहे आप जैसा भी हो, इट इज़ अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। कोई भी रिच, ग्लैमरस एंड यू नो गुड लुकिंग लग सकता है बाय द वे यू ड्रेस अप, बाय द वे यू मेंटेन योरसेल्फ। ये सब आपके मेंटेनेंस के ऊपर ही है। इसीलिए तो इतने सारे इमेज कंसल्टिंग फॉर्म्स इतना पैसा कमाती है, बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म द पर्सनैलिटी। आपको सिखाती है कि आप कैसे कपड़े पहनो, कौन से कपड़ों में आपकी पर्सनैलिटी खिल के बाहर आएगी।
तो आपको अपना फेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर ने नेचर ने जो कुछ भी दिया है उसी को आपको मेंटेन करना है और उसी के साथ आपको थोड़ा सा खेलना है। तो बात यह है कि आपको अपने साथ मज़ा करना है, यू नीड टू हैव फन विथ योर सेल्फ। आपको आपकी बॉडी को एंजॉय करना चाहिए, आपको आपकी यूथ, आपकी ब्यूटी, आपकी वाइटैलिटी को एंजॉय करना चाहिए। और जब मैं यूथ की बात बोलती हूँ, इट्स नॉट अबाउट योर एज, आपकी एज भले 55 हो या 25, यूथ इज एन एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि हम इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान काफ़ी घर के अंदर रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन पे ध्यान दें। मेक श्योर कि आप रोज़ नहाएं, ठीक है, और अच्छे से नहाएं। आपका जो बेडिंग प्रोसेस है, जो नहाने का प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा सीक्रेट तरीके से देखिएगा। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी आप थोड़े सॉल्ट वाटर बाथ ले लें। आप जितना वक्त बाथरूम के अंदर बिताते हैं उसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह लें। जब आप पानी के साथ अपने आप को स्नान करते हैं, अपना स्नान करते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तो रिवर्स, ओशन, सी, नदियाँ, इनके साथ टच में रहते नहीं हैं। सो हमारा टच तो हमारा शावर ही होता है। तो उस वक्त आप शावर के अंदर रह के पानी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए और उनके साथ बातें कीजिए और अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी स्टैग्नेंट एनर्जी है, उसको रिलीज कर कीजिए। सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे कपड़े पहनिए अपने लिए आप अच्छे कपड़े पहनिए। अगर आप महिला हैं तो थोड़ा सा अपना मेकअप वेकअप थोड़ा सा कर लीजिए। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है और घर के अंदर भी आप मेकअप कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा मेकअप, थोड़ा सा मस्कारा, थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक, जिससे आपको अंदर से अच्छा लगे। अच्छा दिखना क्यों ज़रूरी है? अच्छा दिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अच्छा दिखते हो तो आप अच्छा फील करते हो, और जब आप अच्छा फील करते हो तो आप अच्छी सोचते हो, आपके साथ अच्छी चीज़ें होती है, आप अच्छा अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि आप अंदर से जैसा फील करते हो वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो, आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट हो जाती है। आप दिखिएगा, जब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हो ना, एकदम टिप टॉप होके रहते हो, तब आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, हाई हो जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने कपड़ों में रहते हो, घर में पजामा पहन के रहते हो, तो आपके अंदर एक लेथार्जी आ जाती है। तो इस लेथार्जी को हटाने के लिए, इस लेजीनेस को हटाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कपड़ों में ध्यान दें, साफ सुथरा कपड़ा पहने, आयरन करके पहने और अच्छा दिखे अपने लिए। ये सेल्फ लव की जर्नी है, ये किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरों के लिए तैयार होने की जर्नी नहीं है। भले आप बाहर जाओ या ना जाओ, आप अपना ध्यान रखिए और अच्छा दिखिए, अच्छा फील कीजिए, ठीक है। एंड इससे आपकी कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारा बूस्ट होगा। जब आप अच्छा दिखते हो, आप अच्छा पहनते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक पुरुष हैं तो पुरुषों को तो बहुत ध्यान देना होता है। भारत में महिलाएं तो फिर भी अपना ध्यान रखती हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पुरुष है भारत में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रखते हैं। वो कैसे भी पहन के, कुछ भी पहन के निकल पड़ते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो तो आप एक डिवाइन सोल हो। डिवाइन सोल कौन होते हैं? डिवाइन सोल गॉड के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। तो आप अपने आप को देखने का तरीका बदलिए। आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं। आपको देख के लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपको देख के लोगों को एक आध्यात्मिक आकर्षण होना चाहिए। ये आकर्षण सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, सेक्सुअल आकर्षण नहीं है, ये वो आकर्षण है जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो जब आप अच्छा पहन के, अच्छा दिख के घर से बाहर निकलते हो, तो लोगों में भी एक इंस्पिरेशन आती है कि वो भी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। तो आपको वैसे बनना है ताकि लोग आपको आके पूछे कि आप ऐसा क्या करते हो। आपके फेस में एक नूर है, एक जाम है, एक ग्लो है, एक बहार है, आप ऐसा क्या कर रहे हो? तब आप लोगों को बता सकते हो कि आप ये वो कर रहे हो, आप इनर वर्क करते हो, आप राम नाम जपते हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो। तब आप एक लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बिना खुशी होके बता सकते हो। आप तभी बताएंगे जब लोग आपके पास अच्छे चले आएंगे। तो याद रखिएगा,
आप गॉड के एम्बेसडर हैं, यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर. तो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि जैसा आप अपने आप को ट्रीट करेंगे दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी. जैसा आप अपने आप को देखेंगे दुनिया आपको उसी नज़रों से देखेंगी. सो आप अपने आप को एक बहुमूल्य इंसान की तरह देखिए. आप बहुत कीमती हो. आपको अगर ईश्वर ने चूज़ किया है एक खास मकसद के लिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो है नहीं. ऐसे वैसे व्यक्ति तो इस पेन से गुजर नहीं सकते. वो तो कुछ भी कर लेंगे. वो शराब पिएंगे, सेक्स करेंगे, यू नो मारिवाना, अल्कोहल, ये सब करके अपने आप को नम करेंगे, ना कि ऐसे वीडियोस देखेंगे, ना कि इनर वर्क करेंगे. लेकिन आपने इनर वर्क को चूज़ किया है, आपने अपनी हीलिंग को चूज़ किया है, तो आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है. आप एक खास व्यक्ति हैं. तो अपने आप को उसी तरह से आपको मेंटेन करना है, अपने आप को आपकी डिवाइन सेल्फ में लाना है. और अच्छा दिखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग इज पार्ट ऑफ इट. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इट. जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको इस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं. और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ग्रूमिंग एंड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. इट कम्स वेरी नेचुरल टू मी. अगर आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं monishadode@gmail.com. आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट मोनिशा. वहाँ पर मैं लाइव सेशंस करती हूँ रेगुलरली, और बहुत मज़ा आएगा आपके क्वेश्चंस और मेरे जवाब. ठीक है, इसीलिए अपना पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग एंड क्लोथिंग, ड्रेसिंग अप पे ध्यान दीजिए. और हाँ, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइज इज़ नॉट अबाउट लूजिंग वेट. एक्सरसाइज इज़ नॉट अबाउट हैविंग सिक्स पैक्स. एक्सरसाइज आपको करना है टू फील गुड. एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी बॉडी में कोई स्टैग्नेंट एनर्जी ना रहे. एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी एनर्जी फ्लो होती रहे. एक्सरसाइज इसीलिए करना है ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई रहे, आपकी बॉडी में मूवमेंट रहे. नहीं तो आप एक ही जगह पे बैठ बैठ के वीडियोस देखते रहोगे, बुक्स पढ़ते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, एफर्मेशन करते रहोगे, और आपकी एनर्जी स्टक होती रहेगी, आपके रूट चक्रा ब्लॉक होते रहेंगे. इसे अपने रूट चक्रा को खोलने के लिए, अपने सोलर प्लेक्सस को खोलने के लिए, अपने सेक्रल चक्रा को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें. और अपना खाना पीना जो है उस पर भी ध्यान देना है. आप अपने आप से पूछें कि आप सात्विक खाना खाते हो या कुछ भी खा रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो ब्राउनी, पिज्ज़ा, चाइनीज़. ऐसा होता है, एक फेज़ आता है जहाँ पे आपको बहुत क्रेविंग होती है कुछ भी चटपटा खाने का. लेकिन जितना आप इनर वर्क करते रहोगे, अपने आप आपने वो डिज़ायर आएगा कि आप हेल्दी खाओगे, आपको खुद ब खुद खाना बनाने का मन करेगा, आपको मन करेगा कि आप वेजिटेरियन बन जाओ. मैं खुद वेजिटेरियन हूँ. मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ दोस्तों. मैं एक नॉन वेजिटेरियन, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली में, खानदान में पैदा हुई हूँ. लेकिन बाय चॉइस, बिफोर माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग होली 2015 से मैं वेजिटेरियन हूँ. वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती हूँ, अंडा ज़रूर खाती हूँ. एंड मैं थोड़ी सी डबल माइंड में हूँ, अंडा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है. लेकिन मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती. अपने आप जब छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. एक मेरा लाइफस्टाइल था, इसीलिए एग्स खा रही हूँ. लेकिन शायद वो भी छोड़ दूँ आने वाले वक्त में, क्या पता. लेकिन बात ये कर रही हूँ कि अपने आप में चेंजेस आ जाते हैं कि आप वेजिटेरियन खाना खाओ, ज़्यादा सब्जियाँ खाओ, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ज़्यादा अल्कोहल ना लो. तो ये सब चेंजेस आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे जब आप इनर वर्क करेंगे. इसीलिए इनर वर्क के बेनिफिट्स का मज़ा लीजिए, और कभी भी स्किप मत कीजिए, रोज़ाना कीजिए, सिंसियरली कीजिए. अगर आपको फटाफट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में प्रोग्रेस करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी इज़ अबाउट बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली. जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तब आप बोलोगे दैट आई एम माई बेस्ट वर्जन नाउ. और आपको वही बनना है. यूनिवर्स आपको छोड़ेगी नहीं.
आप भले कंप्लेसेंट होंगे लेकिन यूनिवर्स आपके पीछे पड़ी रहेगी जब तक आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे। तो आपको पता है, जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कौन से चेंजेस लाने हैं आपको आपके अंदर, क्या आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, क्या आपको जंक फूड थोड़ा कम करना है, क्या आपको ज़्यादा हेल्दी खाना है, क्या आपको अपने कपड़ों में ध्यान देना है, क्या आपको अपने मेंटेनेंस पे ध्यान देना है। आपको पता है दोस्तों, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप एक वाइज सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, यू आर ए लीडर इन मेकिंग। तो अपने आप को एक लीडर की तरह देखो, अपने आप को एक स्ट्रगलर की तरह मत देखो और अपने आप को एक स्ट्रगलर की तरह मत ट्रीट करो। यू आर ए लीडर इन मेकिंग, देयर इज अ पर्पस फॉर यू, आपके लिए एक मिशन है, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो आप कंप्लेसन मत होइएगा, आप लेजी मत होइएगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लेजी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। मैंने बोला है पहले भी कि मेरी जो कम्युनिटी है ये ऑनेस्ट लोगों की कम्युनिटी है, ये लॉयल लोगों की कम्युनिटी है, ये हार्ड वर्किंग लोगों की कम्युनिटी है, ये ट्रू सीकर्स की कम्युनिटी है, जो वो सब कुछ करेंगे जो करना पड़ेगा टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग। ओम शांति, जय श्री राम।